आज तारीख हो चुकी है 18 मई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में, डिटेल में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है पंजाब किंग्स की तरफ से। दरअसल कल के मुकाबले में पंजाब की टीम को यहां पर 14-15 रन से हार मिली थी। इस हार के बाद अब पंजाब की टीम ऑफिशियली यहां पर प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। कुल मिलाकर अब पंजाब मैक्स टू मैक्स 14 पॉइंट्स तक जा पाएगी और 14 पॉइंट से पंजाब की क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। तो कुल मिलाकर अब पंजाब की टीम का यह आईपीएल समाप्त हो चुका है। इस आईपीएल एडिशन से अब पंजाब की टीम भी यहां पर अब कंप्लीटली बार हो चुकी, एलिमिनेट हो चुकी है। तो कुल मिलाकर परसों के दिन पंजाब की टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला खेलेगी। हो सकता है कि जिन प्लेयर्स को अब तक मौका ना मिला हो उन प्लेयर्स को अब आखिरी लीग मुकाबले में यहां पर प्लेइंग 11 में मौका दे दिया जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर किन गलतियों के चलते पंजाब की टीम इस आईपीएल एडिशन से आखिर बार हुई, आपके अकॉर्डिंग क्या गलतियां पंजाब ने इस आईपीएल में करी, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आज होने वाले आईपीएल के इंपॉर्टेंट मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला हैदराबाद और आरसीबी के बीच हमें हैदराबाद के होम ग्राउंड से यहां पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आज का मुकाबला प्लेऑफ्स की इक्वेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, जहां पर आरसीबी की टीम अगर आज का मुकाबला जीत जाती है तो आरसीबी के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस 75% हो जाएंगे। कुल मिलाकर आरसीबी की टीम ना सिर्फ प्लेऑफ्स में जा पाएगी बल्कि नंबर 2 तक भी यहां पर जा सकती है। और आरसीबी की टीम हार जाती है तो आरसीबी के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस सिर्फ यहां पर 20-25% बचेंगे, लगभग 22-23% बचेंगे, यानी 20-25 के बीच यहां पर इस टीम के परसेंटेज में चांसेस बचेंगे। तो कुल मिलाकर आज का मुकाबला आरसीबी के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा और हैदराबाद की टीम चाहेगी कि अपने कैंपेन को अब एक विनिंग के साथ यहां पर समाप्त करें, अंतिम के अपने बचे हुए मुकाबले जीत जाए। तो कुल मिलाकर आज का मुकाबला यहां पर काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे इस मुकाबले को लेकर इसके साथ ही मुकाबले का जो भी रिजल्ट, जो भी यहां पर मुकाबले के बाद इक्वेशन रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपडेट कर देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती रोहित शर्मा की तरफ से। दरअसल लखनऊ के हाथों मिली हार के बाद अब कल रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो पोस्ट करी, आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे, जहां पर बिलीव कैप्शन के साथ यहां पर रोहित शर्मा ने ये तस्वीर पोस्ट करी। इसके साथ ही मुंबई के फैंस को ये बताया कि उन पर बिलीव रखे, वो टीम अब भी क्वालिफाई हो सकती है। हालांकि कल पंजाब की हार के साथ ही मुंबई के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। मुंबई के यहां पर प्लेऑफ्स के चांसेस जो कि यहां पर 52% थे वो अभी यहां पर 65% हो चुके। तो कुल मिलाकर मुंबई के प्लेऑफ्स के चांसेस बढ़ चुके। इसके साथ अगर आज आरसीबी की टीम को हार मिलती है तो मुंबई के प्लेऑफ्स के और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज मुंबई के फैंस और मुंबई की टीम तो ये चाहेगी कि आरसीबी की टीम आज का मुकाबला हार जाए। इसके साथ ही अगर लखनऊ और चेन्नई भी अपने बचे हुए मुकाबले हार जाती है तो मुंबई की टीम ना सिर्फ प्लेऑफ्स में बल्कि अपना आखिरी मुकाबला जीत कर टॉप 2 में भी जा पाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर मुंबई की टीम कहां तक जा सकती है, पॉइंट्स टेबल में कौन से नंबर पर अपने आखिरी लीग मुकाबले के बाद मुंबई की टीम रहेगी। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई के यहाँ पर करेंटली हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने यहाँ पर अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बताई कि यहाँ पर ऑक्शन में यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को परचेज ना करना इस टीम के लिए एक बड़ी गलती है। जहाँ पर आईपीएल 2019 के ऑक्शन में वरुण चक्रवर्ती को एक्सपेंसिव प्राइस में कोलकाता की टीम ने परचेज किया था। उस समय चेन्नई ने कोलकाता के साथ यहाँ पर लगभग 50 लाख से लेकर 7-8 करोड़ तक काफ़ी एक्सपेंसिव एक बिड वॉर करी थी। लास्ट में चेन्नई की टीम ने हार मान ली थी। यहाँ पर फ्लेमिंग ने यह बताया कि जिस प्रकार से वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, जिस प्रकार के उनके पास वेरिएशन है चेन्नई के पिच पर और एमएस धोनी की कप्तानी में ये काफी सक्सेसफुल हो सकते थे। तो कुल मिलाकर फ्लेमिंग ने ये बताया कि वो वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में चाहते थे लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस के चलते हुए और ज्यादा प्राइस हो जाने की वजह से ये टीम परचेज नहीं कर पाई थी। इसके साथ ही फ्लेमिंग ने यह भी कहा कि नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में वरुण चक्रवर्ती को ये टारगेट करेंगे, उनको अपनी टीम में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर वरुण चक्रवर्ती को आप चेन्नई की जर्सी में देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है क्वालिफायर वन के टिकट को लेकर। दरअसल यहां पर क्वालिफायर वन मुकाबला जिसमें गुजरात की टीम तो क्वालिफाई हो चुकी है चेन्नई में, ये मुकाबला होगा। अब जल्दी यहां पर दूसरी टीम का भी नाम पता चल जाएगा। उस क्वालिफायर वन के मुकाबले के लिए अब टिकट यहां पर टिकट की सेलिंग शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर अब टिकट बिकने शुरू हो चुके हैं। तो क्वालिफायर वन मुकाबले के लिए टिकट की सेलिंग ऑनलाइन पेटीएम से शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बुक माई शो पर और पेटीएम इनसाइडर पर शुरू हो चुकी है। तो आप अगर इस मुकाबले को देखने में आप इंटरेस्टेड हो, आप चेन्नई जाकर ये मुकाबला देखना चाहते हो तो आप इस मुकाबले की अब ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते
सकते हो, जल्दी ये टिकट सोल्ड आउट हो जाएगी। तो फटाफट आप यहाँ पर पेटीएम पर जाकर आप इस मुकाबले की टिकट बुक कर ले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग गुजरात के सामने आखिर कौन सी टीम यहाँ पर क्वालिफायर वन में रहेगी। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है अब तक प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हुई टीमों को लेकर। दरअसल चार टीमें यहाँ पर प्लेऑफ्स की रेस से कंप्लीटली बाहर हो चुकी है। चार टीमों के प्लेऑफ्स में जाने के अब यहाँ पर चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। इनमें नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, इसके साथ ही नाम आता है यहाँ पर हैदराबाद का, नाम आता है पंजाब का, इसके साथ ही नाम आता है यहाँ पर कोलकाता का। तो कुल मिलाकर ये टीमें तो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर राजस्थान का भी हम नाम ऐड कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान की भी इक्वेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही है। राजस्थान भी 14 पॉइंट्स के साथ वैसे भी शायद क्वालिफाई ना कर पाए। तो कुल मिलाकर ये चार या फिर पांच टीमें अब प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है, जहाँ पर गुजरात की टीम तो क्वालिफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर बचे हुए तीन स्पॉट पर हमें यहाँ पर लखनऊ की, इसके साथ ही हमें यहाँ पर चेन्नई की, मुंबई की, आरसीबी की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इन चार में से तीन ही टीमें आगे जा पाएगी, बाकी टीमों का अब सफर समाप्त हो चुका है। बाकी टीमों के लिए अगर इक्वेशन भी है तो काफी मुश्किल है वो इक्वेशन है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग जो जो टीमें बाहर हुई उन टीमों में से आप कौन सी टीम को आके टॉप फोर में देखना चाहते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है पंजाब की तरफ से। दरअसल पंजाब की मैनेजमेंट ने कल यहाँ पर प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने के बाद अब कुछ खिलाड़ियों के नाम बताए जिन खिलाड़ियों ने इस टीम को निराश किया, जिन खिलाड़ियों की तरफ से वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया जैसा परफॉर्मेंस ये टीम एक्सपेक्ट कर रही थी। इन खिलाड़ियों में यहाँ पर नाम आता है मैथ्यू शॉट का, इसके साथ ही नाम आता है खगेश्वर अबाड़ा का, नाम आता है यहाँ पर सैम करन का, नाम आता है यहाँ पर राहुल चाहर का, इसके साथ ही इस लिस्ट में यहाँ पर नाम आता है भानुका राजपक्षे का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पंजाब की मैनेजमेंट ने यह कहा कि इन खिलाड़ियों से काफी अधिक इस टीम को एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये खिलाड़ी फ्लॉप रहे तो इस साल यहाँ पर आईपीएल में वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे जो ये टीम यहाँ पर चाह रही थी। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये हिंट मिल चुका है कि ये खिलाड़ी पंजाब के स्क्वेड में अगले साल में देखने को नहीं मिलेंगे। ये खिलाड़ी यहाँ पर रिलीज हो रही है, बात पूरी तरीके से अब कन्फर्म्ड पूरी तरीके से तय लग रही है। तो कुल मिलाकर ये पांच खिलाड़ी यहाँ पर पंजाब के स्क्वेड से रिलीज होंगे। बाकी यहाँ पर और रिलीज होने वाले खिलाड़ियों को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर वैसे भी एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर और कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग पंजाब को आखिर कौन कौन से खिलाड़ियों को आपके अकॉर्डिंग रिलीज करना चाहिए। अब बात करते हैं आठवीं बड़ी खबर की, तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल की नई पॉइंट टेबल को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर आईपीएल की नई और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट टेबल देख पाएंगे, जहां पर नंबर एक पर गुजरात की टीम है, नंबर दो पर यहां पर चेन्नई की टीम है, नंबर तीन पर लखनऊ सुपर जायंट्स, नंबर चार पर मुंबई इंडियंस, नंबर पांच पर आरसीबी, नंबर छह पर राजस्थान रॉयल्स, नंबर सात पर कोलकाता की टीम है, नंबर आठ पर पंजाब की टीम है, नंबर नौ पर दिल्ली कैपिटल्स और नंबर दस पर यहां पर हैदराबाद की टीम है, जहां पर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, इसके साथ ही पंजाब, कोलकाता, राजस्थान का सफर तो समाप्त हो चुका है। बचे हुए चार टीमों में से एक टीम तो प्लेऑफ्स में कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ ही अब यहां पर चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, आरसीबी में से केवल तीन ही टीमें आगे जा पाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी चार टीमें इस साल यहां पर प्लेऑफ्स में रहेगी। अब बात करते हैं नवी बड़ी खबर की, तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती है एस श्रीचंद की प्रेडिक्शन को लेकर। दरअसल एस श्रीचंद ने अपनी प्रेडिक्शन करी, एस श्रीचंद ने यह बताई कि यहां पर इस साल आईपीएल का फाइनल आरसीबी और लखनऊ के बीच होगा। हालांकि मजाकिया तौर पर उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, उन्होंने बताया कि इन दोनों टीमों के बीच फाइनल होगा और यहां पर सभी आईपीएल के फैंस इन दोनों टीमों के बीच फाइनल देखना चाहते हैं और आखिरी ओवर तक का यहां पर थ्रिलिंग फाइनल देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर एस श्रीचंद ने यह बताया कि वो खुद भी पर्सनली इन दोनों टीमों के बीच फाइनल देखना चाहते हैं और उनके अकॉर्डिंग मोस्टली ये दोनों टीमें हमें फाइनल खेलती हुई दिखी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप एस श्रीचंद की प्रेडिक्शन से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं, आप इन दोनों टीमों को क्या फाइनल खेलते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहां पर दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम करंटली यहां पर एक ऐसी टीम है जिसकी इस वक्त खुद के हाथ में, जहां पर मुंबई को अब भी दूसरी टीमों पर निर्भर होना हो रहा है, लेकिन यहां पर आरसीबी की किस्मत अपने हाथ में। आरसीबी को स्ट्रेट वे आज का मुकाबला, इसके साथ ही अपना आखिरी मुकाबला यहां पर जीतना, लगातार दो मुकाबले जीतकर ये टीम डायरेक्टली प्लेऑफ में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आरसीबी के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम दोनों लगातार मुकाबले जीतकर आखिर प्लेऑफ में क्वालिफाई हो पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।